तो नमस्कार दोस्तों, का फिर से स्वागत है आपका केपीएल एक्सपीडिशंस में। आई नो लगभग एक महीने बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है, और जो लास्ट वीडियो थी हमारी मनाली से रिगार्डिंग, और उसमें भाई कसम से आपके इतने क्वेश्चंस आए हैं कि क्या बताऊं। खासकर मनाली में स्नो के बारे में आए हैं, अटल टनल के बारे में, रोहतांग पास के बारे में आए हैं। तो चलिए यार, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, कुछ एक टॉप के क्वेश्चन है जो मैंने आपसे लिए हैं, और अब उनके आंसर देना मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई जनवरी में स्नोफॉल मिलेगा, फैमिली के साथ प्लान किया है, क्या जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है आपको, आपको अब स्टार्ट हो चुका है स्नोफॉल, तो अब स्टार्ट हो चुका है स्नोफॉल और मिलेगा आपको लगभग मार्च तक। तो आप बीच में कभी भी आ सकते हैं, बट वेदर रिपोर्ट पढ़ के ज़रूर आना। आना कैसे है, सबसे पहले ये डिसाइड करो। मान लो 3-4 दिन मौसम ख़राब है, या फिर 50% से ऊपर बारिश लिखी हुई है, और कई जगह जैसे मनाली में मेन कि स्नोफॉल लिखा हुआ है लगभग 40% मे बी 60%, तो ट्राई करें कि जब 40 से ऊपर हो चुपचाप अपना बैग बोरिया बिस्तरा पैक करिए और सीधा मनाली के लिए आ जाएं। और हो सके तो सिर्फ एक दिन के लिए मत आएं, जैसे कि अगर आपका सिर्फ एक दिन मंडे को लिखा है कि बारिश है स्नो है तो आप उसी दिन आएं। 3-4 दिन मौसम ज़्यादा ख़राब होता है तो उस दिन आएं, उस दिन आपको डेफिनेटली स्नोफॉल मिलेगा। जैसे कि अभी तो आज 2 दिसंबर है और पिछले 2 दिन से मौसम ख़राब है और अगले 2 दिन भी मौसम ख़राब है, तो इसमें 100% चांस है कि स्नोफॉल हो जाए, और इवन हो रहा है अभी। जो भी हमारे मनाली के हाइट एरिया में है वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, और अगर सिसु की बात करूँ, सिसु में भी सुबह स्नोफॉल हो रहा था हाइट पे। कल मोस्ट प्रोबेबली स्नोफॉल होगा, बट अगर जैन की बात करूँ ना भाई, संडे मंडे और थर्सडे जो आने वाला आगे उसमें होने ही वाला है। तो अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है तो चुपचाप से उस दिन के लिए प्लान करें और सीधा चले आएँ मनाली की तरफ। तो अगर जिस दिन स्नोफॉल होगा उस दिन तो हम आपको ले जाएंगे और वहाँ की शानदार वीडियो भी बनाएंगे मनाली की। अभी हाइट में हो रहा है बट बहुत कम, तो शायद कल या परसों अच्छा हो जाए, और उसके बाद जो मैंने कहा आपको कि संडे और मंडे को तो भाई तगड़ा होने वाला है, और उसके बाद थर्सडे को, उसके बाद इसी तरह सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भाई सर, अभी हिमाचल एंटर के लिए डॉक्यूमेंट क्या लग रहे हैं? फ्रेंड्स, वैसे फ़िलहाल तो अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, बट अगर मांग भी रहा होगा तो बस यही है कि आपकी डबल डोज हो जाएं, बिकॉज शायद फ्यूचर में, जैसा कि मुझे लग रहा है पता, कि अब केसेस बढ़ रहे हैं फिर से नए वायरस के, तो यार अब इन कोरोना के चक्कर का कोई बता नहीं सकता एग्जैक्ट प्लान कि क्या होगा गवर्नमेंट का, तो बट फिलहाल अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है कि भाई यही है कि जनवरी में हम प्लान कर रहे हैं कि सेफ होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सेफ्टी के लिहाज से ये बताऊं कि उनका मेनली क्वेश्चन ये है कि फैमिली के साथ आ रहा हूँ तो सेफ रहेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बता दूं कि सर्दियों में यार हो सके रिकमेंड है कि 5 साल से छोटे बच्चों के साथ इतना दूर सफ़र ना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, और अगर आपके बच्चों को कोल्ड है या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल सफ़र ना करें आजकल। 5 साल से ऊपर है तो आप आ सकते हैं, बट ये है कि एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी, मतलब उनको अच्छे कपड़े पहना के, गर्म कपड़े पहना के, और हो सके तो जब आप स्नोफॉल देख रहे हों या फिर बाहर ले जा रहे हों बच्चों को, तो उनको पूरी तरह से ढक लें। 5-10 मिनट की मनाली की खुली हवा ना आपके बच्चों को बीमार कर सकती है, और सेम वो काम करेगा बड़ों के लिए। मीन्स अगर आप 65-70 साल के हैं, उससे ऊपर हैं, तो आपको फिर से ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जैन में हम लाहौल जा सकते हैं या फिर अटल टनल क्रॉस कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अब बता दूं कि यार अब अटल टनल बंद कर दी गई है टूरिस्ट के लिए, और जब मौसम ख़राब होता है तो टूरिस्ट के लिए अटल टनल टोटली बंद कर दी जाती है, तो उसके बाद आप लाहौल कैसे जाओगे? इवन केस करूँ मैं जनवरी की, तो नहीं, अब नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो टूरिस्ट की गाड़ियां वहां से आगे अलाउड नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो वो स्पेशल परमिट के साथ और 4x4 गाड़ियां ही अलाउड होंगी, तो उसका काफ़ी लंबा चक्कर है। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इतनी ईजिली नहीं दिया जाता है आपको अब लाहौल जाने के लिए, तो अभी बिल्कुल ना है टिल जब तक मौसम पूरी तरह से साफ नहीं रहता। 10-15 दिन तब शायद चांसेस बन जाएं आपके लाहौल जाने के, अदरवाइज टिल टनल, हाँ ये है कि अटल टनल तक जाने मिल सकता है आपको अगर बीच में मौसम साफ रहता है तो, बट लाहौल नहीं दिया जाएगा जाने अनटिल अनलेस आपके पास 4x4 गाड़ी हो या फिर परमिशन हो साथ में। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर को हम स्पीति जाएंगे मनाली से, क्या ये सेफ है और नॉट? तो जो ये मनाली स्पीति है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल नहीं कर सकते मनाली स्पीति, अब
दिसंबर क्या, अब आप ना जैन में कर पाओगे ना फेब, मार्च, अप्रैल, शायद मई के बाद आप कर सको अप्रैल, बट कई बार मई भी हो जाता है, कई बार इवन जून भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी स्नोफॉल कितनी हैवी हो, तभी आप मनाली स्पीति कर पाओगे। बट शिमला से स्पीति जा सकते हो, इवन अभी भी जा सकते हो, बट वो भी काफ़ी रिस्की होती है सर्दियों में। लोकल के थ्रू जा रहे हो स्पीति तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप खुद से जाने का प्लान कर रहे हो तो पहले ऐसा करिए कि जो छोटे ट्रिप हैं पहले उनको करिए सर्दियों वाले, मनाली आए, मनाली से लोकल इधर उधर जाएं, तब अगर आप उसमें थोड़ा सा प्रो हो जाते हैं तब आप स्पीति कर सकते हो। क्योंकि यार पता है प्रॉब्लम सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा आती हैं, चाहे वो गाड़ियों को प्रॉब्लम आती है चाहे इंसानों को प्रॉब्लम। और रही बात अगर आप थोड़ा सा भी बीमार हो गए इन एरिया में, चाहे स्पीति हो चाहे आप लाहौल में हो, तो आपको एकदम से डॉक्टर की फैसिलिटी मीन्स एकदम से आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जल्दी से। क्योंकि अगर स्नोफॉल एकदम से हो गया भाई रोड ब्लॉक हो जाते हैं और आप नहीं पहुंच पाओगे टाइम पे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को रिस्क लेके जाना चाहते हो या नहीं। तो फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी सही पूछा है कि भाई फेब में हम स्नोफॉल देख सकते हैं क्या, हमारे पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो क्या हम मनाली घूम सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूं यार, मनाली तक तो आपके पास चाहे 4x4 गाड़ी हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से मारुति में भी आ सकते हो बिंदास होके, कोई टेंशन नहीं है। बट टेंशन जो है वो है इसके बियॉन्ड, चाहे आप सोलांग जाओ, चाहे आप टनल अटल टनल के पास जाओ, अगर या फिर आप पार्वती वैली में तोश की तरफ जाओ, तब आपको 4x4 गाड़ी चाहिए। अदरवाइज स्टिल मनाली या फिर कसोल तक आपको 4x4 गाड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अभी मनाली ले हाईवे ओपन है, क्या ले जाना है, इज़ इट गुड टाइम टू गो टू ले और नॉट। तो फ्रेंड्स अगर बात करूँ तो यार मनाली ले आप अभी नहीं कर सकते हो बिकॉज ले हो चुका है, मनाली ले जो रूट है वो टोटल बंद हो चुका है। और अगर आपने ले जाना है तो आप डायरेक्ट बाय फ्लाइट जा सकते हो ले और घूम सकते हो पूरा ले। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एक भाई का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आई वांट टू विजिट सेथन इग्लू विलेज, कोठी और सोलांग, विल आई गेट स्नो और कैन आई क्रॉस अटल टनल एंड स्टे वन डे एट केलोंग एंड रिटर्न टू मनाली नेक्स्ट डे। सेथन विलेज जा सकते हो, इग्लू में भी स्टे कर सकते हो, बट इग्लू में स्टे करने के कुछ एक वो हैं नियम, नियम तो नहीं कह सकते बट एक शर्तें ये हैं कि उससे पहले स्नोफॉल काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए। अगर अभी 2-4 दिन में स्नोफॉल अच्छा हुआ या फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद ही हमें इग्लू स्टे करना मिल जाएगा, बिकॉज अभी तक इग्लू स्टे नहीं इग्लू नहीं बने हैं, क्योंकि इग्लू बनाने के लिए सबसे पहले बर्फ़ चाहिए और वो भी मतलब अच्छी वाली बर्फ़ चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-4 इंच हो गई और फिर उससे इग्लू बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छी बर्फ़ चाहिए। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 5-10 तारीख के बाद, 10 दिसंबर के बाद शायद आपको इग्लू मिल जाएंगे और आप उसमें स्टे कर सकते हो। और उसके बाद है कि कोठी और सोलांग जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप कोठी और सोलांग तक जा सकते हो आराम से बिना कोई टेंशन के, बट अटल टनल नहीं क्रॉस कर पाओगे। और अगर आपने सिसु रहना है तो उसके लिए कुछ एक शर्तें ये है कि आपको एक तो पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी सिसु में और ऊपर से आपको परमिशन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं जा पाओगे बिना परमिशन के। तो फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि भाई इज़ इट पॉसिबल टू गो खीरिंगा ट्रैक इन दिसंबर लास्ट और नॉट। तो जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, यार इसका आंसर थोड़ा मिक्स है, बिकॉज देखो सबसे पहला बात तो बता दूं कि रिस्की है, सर्दियों में कोई भी ट्रैक करो आप वो रिस्की हैं, खासकर जब भी आप इन अपर हिमाचल के कोई भी ट्रैक पकड़ते हो, चाहे छोटे से छोटा खीरगंगा हो चाहे बड़े से बड़ा कोई भी हो, तो सब रिस्की होंगे। उसका रीज़न स्नोफॉल कभी भी हो सकता है और जो ट्रेल होगी वो काफ़ी स्लिपरी होगी, अगर ज़्यादा स्नोफॉल होता है खीरगंगा ट्रैक में तो नहीं जा पाओगे आप। बट जो जितने भी टेंट्स होते हैं, जितना भी वो रहने के लिए होता है, वो अवेलेबल होता है खीरगंगा में ऊपर, बट वो डिपेंड करता है कि अगर बीच में ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो आप ट्रेल पे नहीं चल पाओगे अच्छी तरह और मुश्किलें काफ़ी आएंगी। बट अगर आप अच्छे ट्रैकर हो जो कि काफ़ी विंटर ट्रैक कर चुका है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकता है अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के, तो आप जा भी सकते हो नहीं भी, तो ये आप पे ही है टोटल कि आप जाना ही चाहते हैं तो चले जाना, नहीं थोड़ा अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो मत जाना। जो अगला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हम दिसंबर में स्नोफॉल होने के बाद बाइक में जा सकते हैं अटल टनल या फिर सिसु। तो यार इसका आंसर तो समझ रहे हो आप कि बाइक में तो कहाँ ही दिया जाएगा जाने,
तो फ्रेंड्स इसी तरह मैक्सिमम बाकी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही सिमिलर थे, तो शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर पसंद आई होगी वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आपके फिर भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिंदास होके पूछना। बट अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी डायरेक्ट मनाली में स्नोफॉल से, या फिर होंगे हम अपनी 4x4 वी क्रॉस को लेके पहुँचे होंगे मनाली, तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्या होती है। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।